देख तेरी पूरी पॉलिसी में पढ़ चुका हूँ, पूरा प्लान मैंने बना लिया और मेरी बात माने फ्लॉप नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसी को बोलने दो। भैया तेरे को भरोसा है इस पे? मेरे को तो नहीं है। अबे तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? कोई रास्ता नहीं है भाई, और कोई तरीका भी नहीं है। किसी के हाथों सौंप दो सब। 25 दिन दिए उन्होंने हमारे पास, इस प्लान से हमारे पास पैसा 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में। भाई लेकिन प्लान क्या है? तूने पॉलिसी पढ़ी भी है कुछ? नहीं यार सब झूठ था, ऐसे बोल दिया मैंने तो। तूने ऐसे हवा में बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया वहाँ पर। अभी तो दोनों किडनी दवाओं पे लगे ना, प्लान अपने आप निकलते हैं मुँह से। एक बार मेरी जगह तलवार में बैठ के देख क्या होता है। हाँ बस फिसलने वाला तू उस तलवार के ऊपर, समझ लिया अगर कभी बात को यार। भाई तो मतलब कुछ वो तो वहाँ पर तूने उसको मनाने के लिए जो बोल दिया, मैंने भी हाँ बोल दिया। मैंने कहा चल ठीक है, वहाँ पर वो मान जाएगा। अब आगे करेंगे क्या? प्लान सिंपल है कि हमें उसको ये शो करना पड़ेगा कि तू मर गया, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल कवर नहीं है। भाई मर गया हड्डियाँ तोड़वा दे, एक्सीडेंटल कवर नहीं है भाई इसमें। देख सुन उसका भी मेरे पास पूरा इंतजाम है। देख सुन लोकी को कुछ मतलब खिला देंगे जिससे वो मरा हुआ लगे, मगर क्या खिलाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा। खिला क्या देंगे भाई, ड्रग देने पड़ेंगे। उसको बोल तो दिया ही, बात के लिए मान तो गया वो। हमें तेरे को ड्रग के नशे में डालना पड़ेगा, एक ऐसा ड्रग जो तेरे को पूरा सुन कर देगा, पर तू सब कुछ सुन सकता है और देख भी सकता है अगर कोई तेरी आंखें खोले तो। यार देख मेरा ना एक दोस्त है जानवर का डॉक्टर है, साला खुद भी जानवर ही है पर जानवर का डॉक्टर है, उससे कुछ मिल सकता है लोगों को बेहोश करने के लिए। मैं तेरे को ड्रग की गोली खिला दूंगा घर पे। ये कहाँ है गोली? कहाँ है? ये पिलाना होगा, पिलाते ही आदमी सुन। भाई कितना देना है, डोज क्या है? ये 4 घंटे के लिए एक ढक्कन है शायद, शायद। अभी तो डाल देना है एक ढक्कन। एक रिस्क बिल्कुल नहीं लेना भाई, काम करता है ना ये चीज ही, ऐसे काम क्यों नहीं करेगी? लेकिन है क्या, कुत्ते की सर्जरी के टाइम ना उसे पिलाया जाता है, कुत्ते की मौत मरेगा। इतने में तू नीरज धीरज को फोन करके बोल दे कि लोकी को कुछ हो गया और वो मरने वाला है शायद। हेलो अबे कहाँ हो तुम लोग? अबे लोकी को शायद कुछ हो गया, वो पता नहीं मर मुरा ना जाए यार, तुम जल्दी इधर आओ। क्या हुआ क्या हुआ? हेलो हाँ एम्बुलेंस? हाँ हाँ भैया यहाँ एम्बुलेंस भेज दीजिए, यहाँ ना कोई मरने वाला है अभी। हाँ बहुत सीरियस कंडीशन है। नहीं नहीं मर ही जाएगा वो, ठीक है। हाँ ये एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ और मैं बाहर जाके शोर मचा दूंगा। अरे काका ताऊ मौसी बच्चों जल्दी, लोगे कुछ हो गया है। क्या हुआ क्या हुआ? अबे सुन भालू को भी तो फोन करना था, चिंटू को। उसको क्या बोलना? उसको तो फोन करेगा और उसको बोलेगा देख लोकी से अगर पैसे चाहिए तो ये आखिरी मौका है मिलने का पैसे का, नहीं तो वो ये शहर गांव या दुनिया भी छोड़ के जा सकता है। तो उसको बुलाना है तूने कैसे भी, समझ गया? उसके 10 मिनट बाद मैं तेरे पॉलिसी एजेंट को फ़ोन कर दूंगा कि ऐसे ऐसे लोकेश वर्मा की मौत हो गई है और आ जाओ। सुन हमें बस एक जुगाड़ करना है, डेथ सर्टिफिकेट वो तू बनवाएगा क्योंकि डॉक्टर्स को तू जानता है। अब आप पैसा फेंक तमाशा देख सब जुगाड़ हो जाता है, समझ रहा है? टेंशन मत ले उस चीज़ का। मैंने ये पता करा है कि जो एजेंट होता है वो हमारे साथ शमशान तक जाता है देखने के लिए कि हमने बंदे को दफनाया कि नहीं। ठीक है तो वहाँ पे हम तुझे शमशान लेके जाएंगे। अबे डर मत, वहाँ एक कबर पहले से खुदी होगी जिसमें पूरा सेटअप करा होगा। कबर? हाँ धीरे धीरे क्रेन से तेरी लाश, लाश मतलब जिंदा लाश तेरी जिंदा लाश हम कब्र में डालेंगे जहाँ पे पहले से ही हम लोगों ने सिलेंडर रख दिया होगा। कहाँ का सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर। भाई पूरी बात बताएगा, पूरा बताएगा तो साफ बोल। मुश्किल से 4-5 घंटे की बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर 10 घंटे चलता है। और वो 10 घंटे चलेगा वो?
प्रेशर यार। कुछ भी बोलता है भाई, तूने तो वहाँ क्या ही हगा है, बता रहा हूँ तेरे को। उसको लगा के बस अंदर पड़ा रही हो, हम शाम तक आके तेरे को निकाल लेंगे। यही काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। सुन सुन, तुम वही रहोगे शाम तक, तुम जाओगे नहीं, बिल्कुल सही है, तुम जाओगे नहीं, वही रहोगे। अबे यार मेन टेंशन है, बॉडी कैसे निकलेगी? उसके लिए चाहिए होंगे 4 फावड़े और 2 खुदाइए, नहीं तो तेरे को लगाऊंगा मैं। पता नहीं क्या प्लान बनाया भाई, देख जान लगी है उस पे। फिर प्लान एग्जीक्यूट हुआ और सारे लोग धीरे धीरे आने लगे। भाई मेरे से राधे की जाएगी, परसों उस दिन भी तेरे को लाश दिखाई दी, आज फिर से लाश। अरे चल चल चल, ये देख भाई को क्या हो गया। अबे नीरज, अबे इधर आना, उधर क्यों खड़ा है, इधर आना। अबे आखिरी बार देख ले इसे यार, आ जा यार, इधर आ जा यार। अरे यार देखना यार इसे, आखिरी बार देख तो ले उसे एक बार जाके। नहीं भाई, तेरे से कितना प्यार करता था, तेरे से सेब लेके आया था यार। तेरा भाई इसको जलते हुए देखेगा ऐसे तो नहीं, जलते हुए देखेगा इसको, सिर्फ जलते हुए। ओ भैया, ओ क्या आदमी भाई, ये क्या है आदमी। नहीं नहीं हो पाएगा ना, ना ना। अरे किसी ने इसके घर वालों को बताया क्या? भाई मैसेज किया था, कॉल नहीं आया उनका भी, तो रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे कैसे आएगा, सब तो कहते थे कीड़े पड़ेंगे इसको, इतने जल्दी पड़ेंगे पता नहीं था। वैसे तो मनु चला गया, लेकिन जैसा भी था काम नहीं आया कुछ हमारे। हटा दो कीड़े, हटा दो भाई। कितने हटाऊं? अरे ये तो वही था ना जो कुत्ते बिल्ली के पीछे भागता था। हाँ। मर गया, अच्छा हुआ मर गया। क्या इज्जत कमाई तूने भाई, ये लोकेश वर्मा था। हाँ। मर गया। हाँ। अरे धरती पे बोलता, ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीता था, किसी का सगा नहीं था। नहीं नहीं अंकल, दोस्त था हमारा वो। इन अंकल का मैंने कुत्ता ढूंढा था बिना फोटो के, आदमी तो असामाजिक था। अब ये कह सकते हैं इसके लेके हरकतें इसकी थी थोड़ी, हर किसी से यही सुना था हमने। चलो मरने दो। इनको दुआएं देनी चाहिए, ये कह रहे हैं गंदगी साफ करो। मैं गंदगी हूँ, मैं गंदगी हूँ। हैं? हेलो। हाँ भैया, वो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई भैया, अभी फोन करा था आपको। अरे बंदा मर रहा है यार, मर गया वो बंदा। अब क्या उसकी मैयत के बाद आओगे क्या? देख देख अपने दोस्त को, चुप हो गया ये। देख कितना अच्छा लग रहा है, चुप रहता तो 2-4 दिन और जी लेता। अभी पिछले हफ्ते तो कुत्ते के पीछे भाग रहा था ये। इतना अच्छा दोस्त है ये हमारा, इसके लिए 4 कंधे भी तैयार हो पाएंगे कि नहीं बताओ साला। मैंने मरने में क्या इज्जत है, मैं 4 आदमी नहीं है मेरे मरने पे भी, बताओ आप यार, ये इज्जत है मेरी। मरने से पहले केस सॉल्व करता 6,000 रख के गया, पता नहीं कहाँ रख के बता के ही चला जाता कहाँ रख के। मरने से पहले मेरी घड़ी लेके गया था, देखो किसी हाथ पे है क्या। उतार ले घड़ी का, कपड़े उतार ले मेरे भाई, तू क्यों छोड़ रहा, कपड़े भी मत छोड़। निकाल ले कुछ तो काम आएगी। अबे है कहाँ, लगता है कोई निकाल ले गया पहले से ही। ऐसा मत बोल। कोई नहीं भाई, अबे एक ही तो घड़ी खरीदी थी काम करके। देखो यही होगी निकालो घड़ी। भाया किसे कहते हैं, वैसे तो औकात से ज्यादा जी लिया, अभी शक्ल दे ऐसा लग रहा है शैतान सोया है। हेलो, मरने का कारण क्या इनका? सब कुछ प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा था,
जब तक डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ पहले इनका। इंश्योरेंस वाले हो क्या? डेथ सर्टिफिकेट क्यों? पूछता है पूछो हरामियों, पैसा पूछो, पैसा आया कि नहीं आया? पैसे का पूछ, पैसे लाए हो? पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ इनकी। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा, बोल हो जाएगा। आप बाकी सारे काम करो, मैं वो ए भाई एम्बुलेंस आ गई है, इसको ले जाओ, इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे ये लोग। लेके जाओ, क्या चीज फाड़ ना। हां लेके जाओ इसे, संभाल के करें जो भी करें। पोस्टमार्टम कहां से, ये सब तो था ही नहीं यार। कब रोकोगे सालो, ये ले जा रहे हैं मेरे को। ओ ढंग से उड़ भाई, लाश की तो इज्जत करो। तुम आ तो रोज का काम है, अपनी कम से कम काम की इज्जत करो, ढंग से पटको मत। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या हो गया भाई, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे, चल जल्दी चल। भाई कटता हुआ देखना मेरे को, भाई कटेगा सेब डाल दूंगा सारा उसके अंदर, यही तो मैं देखना है मेरे को। अरे चलो ना, नहीं भाई मैं चार्ज कर देता। अरे चार्जर साथ ले लो ना यार, गाड़ी के लिए उधर, गाड़ी के लिए चलो। हाँ भाई क्या दिक्कत हो गई मुझे बताओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए मुझे, तभी जाके मिलेंगे तुम्हें पैसे। अरे यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं होती, आओ मैं तुम्हें दिलाता हूं। मैं नहीं जा रहा, मुझे यहीं लाके दो। एम्बुलेंस आ रही है उसके पीछे। क्या हुआ अभी, ये क्या हो गया? ये तो अभी, ये तो प्लान में नहीं था। लास्ट तो लास्ट किडनी अभी गई, अभी तो पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। तो छोड़ो छोड़ो, एक काम करते हैं, निकालते कुछ नहीं, मेरे को शॉर्टकट पता है। पोस्टमार्टम वहीं जान ले जा रहे होंगे जो हेडक्वार्टर जहाँ भी करते हैं चीज बात। तो यहाँ चलते हैं, जल्दी चलना, फिर इससे पहले कुछ कर रहे हैं। एम्बुलेंस आई होगी भाई, कोई लाश नहीं आई यार। नहीं सर कहाँ ले आए सर? मुझे लाश तो नहीं लग रही है, ना चादर अदर भी छूटी है, जरा देखता हूँ लाश में है क्या। जब तक सर नहीं आते थोड़ा काट लेता हूँ। अबे ओ भैया ओ, अबे देख ले जिंदा नब, चेक कर ले भाई मेरी, तू पागल है ओ, इसे रोको भाई। ओ भैया अरे 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 रुको रुको, दिनेश क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैं तुम्हें दो घंटे से ढूंढ रहा हूँ बाहर, पता है। आप बताओगे क्या है? कहाँ है कुत्ते, उन्हें मिल गए, उन्हें पैसे मिल गए भाई, अब वो क्या पूछेंगे मेरे को? उनके लिए तो ठीक है, रिश्तेदार कम हो गए उनका तो। साले मेरी पॉलिसी के पैसे थे, घर वालों ने कराई थी मेरी पॉलिसी। भाई क्या करेगा बेटा, पूछा था पता नहीं भाई, सच में क्या यार ये। साला कौन से वाले में गया होगा, ये एक ही तो था जिस प्लान के अकॉर्डिंग ये वाला, जहाँ उसने आना था। तूने एम्बुलेंस कहाँ से मंगवाई थी?
अबे तूने बुलाई थी एम्बुलेंस भाई? मैंने क्या बुलाया? मैंने तेरी तूने मत बुलाई होगी ना। लेकिन तू कह रहा था एम्बुलेंस आ रही, मेरे को लगा तूने बुलाया। मेरे को लगा कभी तो जिंदगी में कोई ढंग का काम किया होगा तूने। भाई सच में खुल गया, तो खुला पड़ा है भाई वो, तो खुल गया। लेकिन वो इंश्योरेंस का पैसा साले भाऊ, तो तू सच में मर गया ना? अब तो पैसे तो मिलेंगे, झूठ का थोड़ी ना मिलेगा पैसा। ये तो अब असली के पैसे मिलेंगे, झूठ के नहीं मिलेंगे। और डिवाइड भी दो में होंगे साले कंजर लालची। एक तो सच में सालों ने पता नहीं कौन सा तो नशा खिलाया मेरे को, शरीर मेरा टस से मस नहीं हो पा रहा भाई साहब। सर इसका पैर हिला। रिगर मोर्टिस यार, रिगर मोर्टिस। सुना है तुमने? कुछ बुक्स पढ़ी है तुम्हारे पास घर में नहीं? रिगर मोर्टिस समझते हो तुम? नहीं सर, कैसे करना है फिर? जाओ जाके औजार लेके आओ। ये वाला सर? हाँ भाई, ये तो जगह नहीं लग रही है साले, का फोन करना पड़ेगा प्रकाश को। फोन उठा भाई, फोन उठा, फोन उठा। आज इनको पता लगेगा मैं जो दिन में लाश की बात कर रहा था कोई नहीं माना। तो पे फोन उठा, फोन उठा। कहाँ गया यार ये? यार कितना ढूंढ रहा है यार, लग गई है वाट। वाट तो लग गई थी, पहले अपना फोन तो उठा, कब से बज रहा है? स्टैंडर्ड कॉल फोन पे नीरज को भी अभी करना। हाँ बोल। हेलो प्रकाश भाई, मैंने तेरे को भाई ये लेकर आए हैं, कोई पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम वाली जगह नहीं लग रही भाई? मैंने तेरे को उस दिन भी बोला था लाश लूश वाला फंडा है, तो तब भी नहीं माने थे मेरी बात। क्या? अरे सुन मेरी, पहले मेरी बात सुन। नशा करके बैठा है क्या नया? तू दूर हो जा यार। भाई तेरे को मैंने उस दिन भी, अरे सुन तो सही भाई, तेरे को उस दिन समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ हाँ, उस दिन तूने नशे में पता नहीं क्या क्या बोला था मेरे को, लाश लाश। यहाँ पे कोई लाश लूश वाला सीन है भाई, ये काट डालेंगे उसको। किसको? लोकी को। लोकी भाई? लोकी को। हाँ कहाँ? कहाँ? यहाँ भाई, ये यही हूँ मैं। अबे यहाँ कहाँ भाई? यही हूँ। हाँ भाई मैं वही हूँ। भाई लोकेशन भेज रहा हूँ। भेज भेज लोकेशन, लोकेशन भेजना, भेज जल्दी, लोकेशन भेज मेरे को जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। उन्होंने खा लिया भाई, 1 करोड़ रुपए गया मेरा तो। और ये साले उसके प्रकाश के तो खून में हराम खोरी थी साले के शुरू से। इस बॉब को तो एहसान मानना चाहिए था मेरा यार, उसने पाला। लेकिन जिंदगी में कौन किसका सगा है? उन लाश के हाथ से घड़ी खोल ली उस आदमी ने भाई साहब, क्या कैसे साथ दिया कोई। मैं खुद मर जाना चाहता हूँ। काट दे तू, काट। हाँ आ जा तू, आ जा काट दे मेरे को। कहाँ से शुरू किया? जल्दी तुम्हें सब काट के अलग करते ना, ऐसे इंसान इंसान है थोड़ा, हम रोज काम ये करेंगे, तुम रोज ये कर पाओगे? फनी ड्रॉल सुना तुमने? देखो दिखा दो, ये लाश के 4 हिस्से हैं, देख रहे हो तुम? 4 हिस्से ये देखो, हमने हमारे पास, हमने भी बनाया है इसको। ओ क्या काटेंगे पहले? राइट हैंड। हाँ तो सर आपका राइट या मेरा राइट? अरे लाश का राइट। क्या मेरे से हिला डुला नहीं जा रहा, मैं कैसे तो उड़ रहा हूँ सर। रिगर मोर्टिस आपने बताया? सो सर राइट हैंड है? आ रहा? अबे होने क्या जा रहा? ओ हरामियों कोई तो आ जाओ बचा लो। ये लाश पे अभी थोड़ी ज्यादा है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी काटेंगे। और जल्द भाई भालू यहाँ क्या कर रहा है? ओए ओए भाई कहाँ थे तुम भाई? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ? धीरज को तो मैंने भी पीछे भेजा, और भालू किधर गया है? इधर किधर? इधर साले किधर? भाई इधर गया है वो, उधर क्या था धीरज? इधर इधर किधर? कहाँ गया? इधर गया, इधर गया भालू, इधर मेरे सामने भी गया साले। किस कौन से इधर? अरे अभी गया मेरे सामने भालू, यहाँ पर और यहीं पर, ये अंदर लेके गए वो सामने। अरे ऐसे नहीं यार, तुम इंटरव्यू को समझाना, रुको मैं बताता हूँ। ओ सर अब क्या है सर? अरे बिजली का बिल भरा तो था। रुको रुको, एसोसिएशन ने, आई हैव स्मार्टफोन। अरे वाह, तो चलो चाय पी के आते हैं तब तक। हाँ रख दो और को जहाँ पे था वो आराम से वहीं पे। क्या बिजली, ये सरकार ना जब से हमारे जमाने में हुआ है सारा बिल भरा।
सही टाइम पर आ गया तू। साले तुझे अपनी गोदी में खिलाया मैंने, तू मेरे को मरा हुआ समझ के मांगने के बाद ही इंसान बनता। क्या करना है इनका? जिग्नेश तुम जाके भूसा लेके आओ। भाई भूसा? हाँ ये लोग लाशों में भूसा भरते हैं। लेकिन हम तो जिंदा हैं। तो मार के भरूंगा। फाइनली चार्जर तो मिला यार, चार्ज कर दे कुछ साल पहले। क्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और दिल्ली पे जो संकट की घड़ी थी वो अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली हो चुकी है भयमुक्त। जो ज़ोंबियों का प्रकोप था दिल्ली पे वो अब मुक्त हो चुके हैं उससे। और ये कारनामा कर दिखाया है हमारे तीन नौजवान भाइयों ने, इस गिरोह को पकड़ा है। उनका नाम है प्रकाश, लोकी और बबलू। प्रकाश, लोकी और बबलू को सरकार नवाजेगी एक सम्मानित पुरस्कार से। और अगली बार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई बला, मेरा मतलब है एक नई खबर। और जाते जाते आपको ये बता दें कि जो लाशों का गिरोह पकड़ा गया है वो लाशों में भूसा भर के उनके मुजस्समे बनाया करता था। ये लाशों के गिरोह पे इनके दो चमचे पकड़े गए हैं और अभी भी मास्टरमाइंड है फरार। क्या पुलिस इस मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम हैं क्राइम टाइम अब तक। हाँ मतलब इतने पैसे का करना क्या है? इतने पैसे सारी लेनी देनी करके 3000 रुपये बचे हैं बस। बस और क्या बचा? लो किडनियाँ बच गई तुम लोग। किडनी बच गई, मेरी पॉलिसी बच गई। तुमने तो मेरे को पहुंचा दिया था खबर के अंदर ऑलमोस्ट। यार इसकी पिछली बार भाई ज्यादा अच्छी थी, 1 करोड़ मिल जाते यार। हाँ भाई इन सब के दौरान नहीं हुई मत हुआ केसेस की भरमार। कल से केसेस आ रहे हैं आदमी हो गए। मीडिया वालों ने परेशान करके फोन कर करके अभी मीडिया का आ रहा होगा। सुन लो रहते किसके दो साथ हो तुम। हेलो, अब आप लोग सोच रहे होगे कि हैप्पी एंडिंग हुई है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, जो वो सब हैप्पी एंडिंग हुई थी ना, उसके बाद जो रायता फैला, मतलब वो जो लोकी को कॉल आई थी। लोकेश हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कैसे सॉल्व करते हो? करता हूँ, किए हैं। मेरा भी एक केस है। हो जाएगा, आप बताएं। मेरी कुछ लाशें गायब हुई हैं। गायब नहीं हुई है, चोरी हुई है। कौन बोला? ये साले दोनों, ये दोनों तो भग लिए और फंस गया मैं। और ऐसा फंसा हूं कि ये देख लो, खुद ही देख लो।